दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन को एक गेम चेंजर खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 300 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जी हां दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच 16वें ओवर के दौरान रविचंद्रन अश्विन से रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कहकर दिलवाए 3 गेंदों पर 3 विकेट। हैट्रिक लेने के बाद खुद अश्विन ने किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर आपको भी नहीं होगा यकीन। तो दोस्तों, अश्विन का पूरा बयान आपको यहाँ हम दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने जिम्बाब्वे को T20 वर्ल्ड कप 2022 सुपर 12 के अपने आखिरी मैच में 71 रनों से धूल चटाई, जहाँ टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य रखा था। और इस स्कोर के सामने पूरी टीम मात्र 115 रन ही जिम्बाब्वे की बना सकी। हालांकि दोस्तों, इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ग्रुप 2 की पॉइंट टेबल के टॉप पर रही। वहीं भारत की सेमी फाइनल में भिड़ंत अब इंग्लैंड की टीम से होगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो दोस्तों यहाँ जिम्बाब्वे और भारत के बीच में ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इस मुकाबले में पहले तो केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाते हुए अर्धशतक लगाए। और वहीं फिर गेंदबाजी में तो दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, क्योंकि पहले ही ओवर की पहली ही गेंद जब भुवनेश्वर कुमार ने करवाई तब उन्होंने पहले ही विकेट चटका दिया और यहाँ से लगातार विकेट गिरते चले गए। हालांकि इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 1 विकेट 14वें ओवर में लिया था उसकी अंतिम गेंद पर रियान बर्ल का, जो कि तूफानी 35 रन की पारी खेल रहे थे। और फिर उसके बाद उनका जब ओवर समाप्त हो गया तो अगले ही ओवर की फिर पहली गेंद पर उन्होंने वेलिंग मसाकत्सा को आउट किया। तो वहीं फिर रिचर्ड नागरवा का विकेट लेकर उन्होंने लगातार 3 बड़े विकेट हासिल किए। लेकिन दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने अब एक बड़ा खुलासा कर बताया कि आखिरकार वो 3 बड़े विकेट कैसे ले पाए और रोहित शर्मा ने उनके पास आकर क्या रणनीति बताई थी। इस पर बड़ा खुलासा करते हुए रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि इस पिच पर स्पिनरों को मदद नहीं मिल रही थी और मैंने भी सोचा कि आज शायद विकेट मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन रोहित भाई ने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया जिसके बाद मुकाबला पूरी तरह से हमारे चपेट में आ गया, क्योंकि अगर इस मुकाबले को हमें जीतना था तो जल्द से जल्द जिम्बाब्वे के विकेट लेने थे और ये नहीं पता था कि लगातार 3 गेंदों पर मुझे 3 विकेट मिल जाएंगे। जब मैं अपनी पारी का पहला ओवर डालने के लिए आया था तो उस ओवर में मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी और रोहित भाई ने उस ओवर में मुझे फटकार भी लगाई थी कि भाई हमें जल्दी से ये मुकाबला जीतना है, आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन फिर रोहित ने मुझे अगले ओवर में जब बुलाया तब रियान बर्ल 35 रन पर खेल रहे थे और रोहित भाई ने मुझे दूसरी गेंद पर खुद पास आकर बोला कि मैं गेंद को मिडिल स्टंप पे रखूं और ये आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश करेगा। और यही गलती रियान बर्ल ने करी और मेरा मिडिल स्टंप इतना सटीक था कि वो गेंद जा सीधा विकेट पे लड़ी। हालांकि मैं नहीं जानता कि इसमें मेरी टेक्निक है या फिर रोहित भाई का दिमाग, लेकिन हमें विकेट मिला जिससे हम खुश थे। लेकिन फिर अगला ओवर जब मेरा शुरू हुआ तो उसी ओवर की पहली गेंद पर मसाकत्सा बड़ा शॉट खेलने की फिरात में थे, जो कि मुझे पहले ही रोहित ने बता दिया था और ये कैच भी हमारे कप्तान रोहित के पास गया, जिससे मुझे पता चल चुका था कि रोहित जो एडवाइस दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रही है। और रोहित भाई की ही बदौलत मुझे आज 3 के 3 विकेट मिल पाए और जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और रोहित भाई जैसा कप्तान जब आपकी टीम में होता है तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो एडवाइस देते हैं वो हमेशा ही सही होती है। रोहित जैसा कप्तान मैंने आज तक नहीं देखा जो कि पहली प्रिडिक्ट कर दे कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश करना चाहता है। और इसीलिए हम अधिकतर मुकाबले T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट हो, हम हमेशा जीतते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने ये बड़ी बातें कहते हुए ही हैट्रिक जैसी गेंदबाजी के बाद लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है, क्या रविचंद्रन अश्विन बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।